लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी। आई नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बंडा के बहरोल थाना पुलिस ने दो युवकों को 7 पेटी शराब सहित किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बीसलपुर दियोरिया कला क्षेत्र के ग्राम जमुनिया महुआ में पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात लोगों ने की युवक की हत्या। फायरिंग में दो लोग हुए घायल। प्रदेश के ऐतिहासिक शहर व टेक्सटाइल उद्योग के केंद्र बुरहानपुर में एयर कनेक्टिविटी की मांग हुई तेज। टेक्सटाइल उद्योगपति और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सूबे के सीएम कमलनाथ से की मांग। बंडा के बहरोल थाना अंतर्गत सागर से पडवार महुरोड पर अवैध शराब का परिवहन करते हुए दो युवकों को बाइक एवं 7 पेटी शराब सहित बहरोल पुलिस ने धर दबोचा। थाना प्रभारी संजय ऋषिश्वर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पडवार निवासी राजकुमार पिता विष्णु लोधी पख्यारी 43 वर्ष व देवेंद्र पिता चतुर सिंह लोधी 40 वर्ष निवासी उमरा थाना गड़ाकोटा को घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़ाई शराब की कीमत करीब 28,000 रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। मुखबिर सूचना मिली थी, विवेचना में गए हुए थे कि कोई व्यक्ति अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। दो व्यक्ति तो ये पड़वार तरफ जा रहे थे और सागर रोड से ऐसी सूचना मिली थी, तो हम लोग घेराबंदी की वहाँ पर पहले पहुँच गए और दो व्यक्ति आते दिखाए हुए हमको पकड़ा। उनके कब्जे से 7 पेटी अवैध शराब लाल मिली, कीमती करीबन 28,000 रुपये की है, 350 क्वार्टर है। उनसे नाम पूछे तो उन्होंने अपना नाम राजकुमार पिता विष्णु लोधी 43 साल निवासी पड़वार, वो देवेंद्र पिता चतुर सिंह लोधी 40 वर्ष ग्राम उमरा, और ये पड़वार में रिश्तेदारी पड़वार में ही रहता है। उनसे लाइसेंस पूछा, उन्होंने नहीं उमरा है। 34-2 आबकारी एक्ट क्राइम कर विवेचना की जा रही है। बीसलपुर दियोरिया कला क्षेत्र के ग्राम जमुनिया महुआ में बीती रात ग्राम महुआ का निवासी अजय पाल अपने मित्र लोगों के साथ त्यौहार मना रहा था। कुछ दिन पहले से अजय पाल की पुरानी रंजिश गांव के ही कुछ लोगों से चल रही थी, जिसके चलते बीती रात अज्ञात लोगों ने अजय पाल पर फायरिंग कर दी। इस गोलीकांड में अजय पाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस फायरिंग में दो लोग राजकुमार व परमेश्वरी दयाल गंभीर रूप से घायल भी हो गए। परमेश्वरी दयाल को बरेली रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि अजय पाल के ऊपर फायरिंग किसी पुरानी रंजिश के चलते हुई है, जिसमें अजय पाल की मौके पर मौत हो गई। अजय पाल के ऊपर फायरिंग होने से परमेश्वरी दयाल और राजकुमार भी घायल हो गए। CO बीसलपुर प्रवीण मलिक ने बताया कि बीती रात अजय पाल के ऊपर किन्हीं अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें अजय पाल की मौत हो गई, वहीं दो लोग भी घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है, जिसमें परमेश्वरी दयाल को बरेली रेफर कर दिया गया है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बीसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये जो घटना किसके साथ हुई है, कौन है आपकी? हमारे बहन है। हाँ जी है। हाँ ठीक, किस बात के लिए घटना हुई, क्या बात हुई थी? अरे जी, खाली अपने हितप्रे में गए थे वहाँ। किसके यहाँ गए थे? परमेश्वरी दयाल गया। परमेश्वरी दयाल कौन है? इनके दोस्त। दोस्त हैं तो अपने दोस्त के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे मतलब किस बात को लेकर बात हुई? अच्छे तो नहीं कह सकते, मगर इन्होंने फायर मारी, इनके लगी है। अच्छा, किसने मारी? ये नरेंद्र भीमसेन राम लखन डालचंद उमाचरण। तो किसी किसी गोली लगी? परमेश्वर दयाल और राजू और अजय पाल। अच्छा, ये लोग घायल हुए हैं? हाँ घायल हुए दो लोग, एक लोग की मृत्यु हुई। किसने चलाई गोली? उनके पास तीन रखने, तीनों चली है गोली। एक तीन आदमी लगी होगी तो एक तो गोली थोड़ी लगेगी। अच्छा, तो ये समझ में नहीं आया, मतलब वहाँ पे किस बात को लेकर घटना होगी, क्या हुआ? विवाद इनके बीच में था या परमेश्वरी और राम लखन? परमेश्वरी उनके पास उनके उसमें था, मुआवजी थी। विवाद नहीं, विवाद तो जो होता है वो कोर्ट कचहरी का वो विवाद होता है, जो कोई विवाद थोड़ी है। मुआवजी होती है, कोई विवाद नहीं होता है। अच्छा, शाम में वो अपने दोस्त के यहाँ गए थे और उनका विवाद चल रहा था परमेश्वरी राम लखन का, तो इसी बात में किसी बात को लेकर मतलब उन्होंने। दुरिया थाना क्षेत्र में तीन लोगों का गोली लगने का मामला सामने आया, क्या है पूरा? ये दुरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है जमुनिया महुआ,
जहाँ पुरानी रंजिश को लेकर कल शाम लगभग 7 बजे के आसपास एक फायरिंग इंसिडेंट कोर्ट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तत्काल मजरूबों को जिला अस्पताल रेफर के पहुंचाया। जिला अस्पताल में एक व्यक्ति आउट ऑफ डेंजर था, उसको वहीं रखा गया। 2 व्यक्तियों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया बरेली के लिए, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, दूसरा व्यक्ति का इलाज चल रहा है। उनके जो परिजन हैं उनसे एक तहरीर लेकर उन्होंने 5 लोगों को अभियुक्त बनाया, जिनका पुरानी रंजिश को लेकर विवाद था। उसमें अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं में करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोई अभी गिरफ्तारी हुई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, लगातार दबिशें दी जा रही हैं और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रदेश के ऐतिहासिक शहर व टेक्सटाइल उद्योग के केंद्र बुरहानपुर में एयर कनेक्टिविटी की मांग तेज हो गई है। टेक्सटाइल उद्योगपति व पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सूबे के सीएम कमलनाथ से ये मांग की है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में पर्यटन की दृष्टि से व देश व प्रदेश के प्रमुख टेक्सटाइल सेंटर को देखते हुए एयर कनेक्टिविटी की मांग तेज हो गई है। इस बार ये मांग पर्यटन व्यवसाय व टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े लोगों ने बुलंद की है। टेक्सटाइल उद्योगपति के अनुसार बुरहानपुर के टेक्सटाइल उद्योग अन्य राज्यों के टेक्सटाइल उद्योग से काफी पिछड़ा हुआ है। अगर बुरहानपुर के एयर कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए हवाई पट्टी या मिनी एयरपोर्ट बनाया जाता है तो उद्योग में तेजी से विकास होगा। वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जानकारों का मानना है कि बुरहानपुर में पर्यटन के सभी आयाम हैं। कई महत्वपूर्ण विदेशी पर्यटक बुरहानपुर तो आना चाहते हैं, लेकिन बुरहानपुर में एयर परिवहन की सुविधा नहीं होने का सुनकर वह अपना इरादा बदल लेते हैं। लिहाजा सूबे के सीएम कमलनाथ जी से मांग है कि बुरहानपुर को एयर परिवहन सुविधा से जोड़ते हुए जल्द से जल्द यहां हवाई पट्टी या मिनी एयरपोर्ट तैयार किया जाए। एयर की कनेक्टिविटी न होना हमारे नगर के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें एयर कनेक्टिविटी की सख्त आवश्यकता है। बुरहानपुर आज इतना बड़ा पर्यटन स्थल है। बुरहानपुर में पर्यटन के 6 आयाम मौजूद है, कहीं कहीं जगह 1 आयाम होते हैं या मैक्सिमम 2, लेकिन हमारे पर्यटन के लिए 6 आयाम हैं और 6 के 6 हमारे पास में है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी एयर की कनेक्टिविटी न होना हमारे लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक है, दुर्भाग्य का कारण है। यदि यहाँ पर एयर की कनेक्टिविटी हो जाए तो टूरिस्ट जो है, चाहे वो अजंता जा रहा हो, चाहे बुरहानपुर, चाहे महेश्वर मांडू, तो उसके लिए केंद्र ही है ये। यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर अजंता है तो 110 किलोमीटर की दूरी पर ओंकारेश्वर, यहाँ से यदि 165 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वर है तो 175 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा, यदि यहाँ से 210 किलोमीटर पर औरंगाबाद है तो 235 किलोमीटर पर यहाँ से जो है वो मांडू। तो हम लोग जो है केंद्र में है, और अगर हमारे पास में एयरपोर्ट हो जाता है तो एयरपोर्ट का बहुत बड़ा लाभ न केवल फॉरेन टूरिस्ट के लिए, वरन इंडियन टूरिस्ट को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो पिलग्रिमेज है, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, चाहे वो हमारे जो अलग अलग मेले लगते हों, चाहे वो हमारे यहाँ पे उर्स होते हों, चाहे हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का वार त्यौहार हो, इन सब परिस्थितियों में बहुत सारे पर्यटक हमारे आज भी लगभग साल भर में 5 लाख पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और जिनकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ट्रेन की रश होना, ट्रेन में जगह न मिलना, रास्तों का ठीक न होना, गाड़ी घोड़े से आना, उसमें भी तकलीफ़ होना। और यदि अगर एयर की कनेक्टिविटी हो जाए, जिस प्रकार से कि अभी एयर कनेक्टिविटी के बाद में यदि आप शिरडी को देखें, एयर कनेक्टिविटी हो जाने के बाद में आप खजुराहो को देखें, एयर कनेक्टिविटी हो जाने के बाद में आप जयपुर को देखें, तो ये जो सारे लाभ हैं, ये लाभ हमारे बुरहानपुर को भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और पर्यटन के क्षेत्र में बुरहानपुर बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे प्रदेश और देश की सरकार को देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार से क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे यहाँ पर कम से कम मध्यम श्रेणी का तो भी एयरपोर्ट स्थापित किया जाए। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ फुल फ्लैश वाला बड़ा एयरपोर्ट जिसमें 320 बस आती हो, कम से कम ऐसा है तो कि 200 सीटर विमान तो हमारे यहाँ उतर सके। और हमारे यहाँ जो दरगाह हकीमी है, उन लोगों ने तो राइटिंग में लिख करके दिया हुआ है कि 11 महीने यानी रमज़ान के महीने को छोड़कर हमारी एक फ्लाइट आपकी जो है वो रहेगी, हमारे जायरीन आएंगे और डेली आएंगे, ये लिख करके उन्होंने दिया हुआ है। इस प्रकार से यदि बुरहानपुर में एयर कनेक्टिविटी होती है तो न केवल पर्यटन के क्षेत्र में वरन व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा निवेश और लाभ इस नगर को
और इसके साथ साथ प्रदेश और देश को मिल सकता है। बिल्कुल, मतलब एयर कनेक्टिविटी तो होना ही चाहिए। बुरहानपुर जैसे पहले बात तो अपना ऐतिहासिक शहर से बात करें, ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक शहर के हिसाब से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट बिजनेस तो है ही है, बिजनेस एयर कनेक्टिविटी होने से बुरहानपुर के बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट इधर आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा। हर आदमी चाहता है घूमना, तो यहाँ से यदि एब्रॉड जाना है तो कभी भी उधर की तरफ जाना है तो हैदराबाद जाओ या बॉम्बे जाओ तो या तो इंदौर जाके फिर जाओ। तो अपन ऐसा क्या कहे कि साधारण ट्रैफिक भी मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा इधर से, और होना ही चाहिए। इसमें टेक्सटाइल लाइन में भी बहुत स्कोप है और हो रहा है। अभी हमारे टेक्सटाइल व्यापारियों को भी आसाम और वगैरह जाना पड़ता है तो ट्रेनों में कितने 40 कितने 48 घंटे लगते हैं, तो जाके इधर से एयर कनेक्टिविटी मिले तो तुरंत पहुंच के अपना कम से कम दो दिन जाना, दो दिन आना, चार दिन का समय बच जाता है। आजकल फिर इधर जाओ, बाप में जाओ, फलाना जाओ, इधर जाके उनको जाना पड़ता है, तो बहुत जरूरी है वर्तमान समय में। अभी चूंकि वैसे ही रश है ट्रेनों में तो ट्रेनों का, अब मुझे मान लो बॉम्बे जाना था तुरंत टिकट निकाली निकल गए, तो होना ही चाहिए। थोड़ा सा इसको ये करे, पहले साप्ताहिक टाइप का शुरू करके आया, किस तरह से भी जो भी करना है बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है वर्तमान समय में। ऐसा नहीं है कि बुरहानपुर में हवाई पट्टी बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव नहीं गया। कई साल पहले लोक निर्माण विभाग ने जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर खटकोद गांव में हवाई पट्टी का प्रस्ताव तैयार किया था। सिविल एविएशन के अफसरों का दल स्थल का निरीक्षण करने भी आया था, लेकिन उन्होंने लोक निर्माण विभाग को मिनी एयरपोर्ट का प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया था, लेकिन इसके बाद ये मामला अधर में लटक गया। अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए जल्द प्रतिनिधि मंडल सीएम कमलनाथ से भेंट कर इस मांग को रखने पर जल्द बुरहानपुर को एयर परिवहन सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करेंगे ताकि बुरहानपुर के टेक्सटाइल उद्योग और पर्यटन उद्योग का विकास हो। बुरहानपुर से तफसल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। नहीं, हमारे पूर्व सांसद सम्मान्य अरुण यादव जी ने पूर्व में भी और अभी वर्तमान में भी ये बात की है कि बुरहानपुर एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा हमारा एक ऐतिहासिक शहर है, दखन का दरवाज़ा है, और यहाँ वो पर्यटन की यहाँ पर जगह है कि जो कि मध्य प्रदेश में कभी हम से बुरहानपुर अच्छे से विकसित कर दे तो वो नायाब बुरहानपुर में हमारे यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर हैं कि जिनको देखने बाहर से लोग आएंगे। तो यहाँ पर हम बहुत जल्द ही प्रस्ताव बनाकर सम्मान्य कलेक्टर महोदय से कल ही हमारे सांसद पूर्व सांसद जी ने बात की है कि आप इसका प्रपोजल जल्दी से जल्दी PWD विभाग को भेजें और हम उसको प्रपोजल को आगे बढ़ाकर सरकार से हम इस प्रपोजल को आगे बढ़ाकर बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट हो, चाहे एयर स्ट्रिप हो, ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि यहाँ पर प्लेन का आना जाना चालू हो जाए, जिससे कि हमारे पर्यटन के साथ साथ बिजनेस भी अपने आप, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन बुरहानपुर आएंगे तो बिजनेस भी अपने आप में बढ़ेगा। मंदसौर जिले के भानपुरा थाना अंतर्गत सानड़ा गांव के जंगल में माँ बेटी दोनों के शव एक पेड़ पर लटके हुए मिले। पुलिस के अनुसार सुबह भानपुरा थाने पर खबर मिली थी कि दो महिलाओं की बॉडी पेड़ पर लटकी हुई है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पता करने पर महिला रमेशी बाई एवं उसकी पुत्री रुक्मणी बाई दोनों की एक साथ एक ही खेत में बबूल के पेड़ पर रस्सी से लटकी हुई लाश दिखाई दी। पुलिस द्वारा दोनों महिलाओं को उतारकर हॉस्पिटल लाए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थाना भानपुरा के अंतर्गत ग्राम सांदला के अंदर दो बॉडीज एक नगरक्षी पर मिली है। प्रथम मृतका का नाम रमेशी बाई था और उसकी डॉटर का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी लगभग 17-18 वर्ष की बालिका है, वहीं उनकी माता लगभग 33 से 38 साल के बीच की है। अभी ना प्रथम PM करता डॉक्टर से मेरी चर्चा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तक तो दोनों के ऑब्जर्वेशन तो हिंगिंग क्लियर है, दैट इज एंटीमार्टम इन नेचर, और उसके जो भी उसके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए जो भी उसके प्राइवेट पार्ट्स के जो भी स्टेप साइड्स है और जो भी बॉडी में कुछ क्लॉथ्स वगैरह अवेलेबल थे उसको हमको सील करके दे रहे हैं उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर में गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जमकर नाचे, जहां मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस दौरान बुंदेलखंड संस्कृति के अनुसार बुंदेलखंड में दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले दीपावली गीत मोनिया समुदाय द्वारा गाए गए।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गीत गाकर एवं नृत्य करके क्षेत्रवासियों के साथ उत्सव मनाया। मेले में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर मेले का आनंद लिया। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।